कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को नाम पहचान और धर्म बताने वाले आदेश बैकफायर कर गए हैं। तीन राज्यों ने ऐसा आदेश दिया था, तीनों ही राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड को सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ नोटिस भी जारी किया है और साथ ही एक अंतरिम आदेश भी दे दिया है। इस आदेश में दो टूक कहा गया है कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ खाने का प्रकार यानी शाकाहार है या मांसाहार, बस इतना बताना है। तो यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश राज्यों को नोटिस भी दिया है। कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट का यह पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई इस पर। 26 जुलाई को अब अगली सुनवाई इस पर होगी, लेकिन फिलहाल नोटिस भी दिया गया है जिसमें उत्तर प्रदेश है, सबसे पहले यूपी से ही लागू हुआ, फिर उत्तराखंड और मध्य प्रदेश ने भी इसको उज्जैन में लागू किया और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। दुकानदारों को नाम बताने की जरूरत नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सिर्फ खाने का प्रकार बताना होगा, यानी कि आपकी दुकान में शाकाहार है या मांसाहार है, क्योंकि कांवड़ की पवित्रता से जुड़ा भी यह मामला। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक रास्ता निकाला कि नाम बताने की आवश्यकता नहीं, खाने का प्रकार बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर रोक लगा दी है, जो यूपी सरकार ने और उत्तराखंड सरकार ने कई डिस्ट्रिक्ट में कहा था कि जो भी दुकानदार हैं या जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको अपने नाम उजागर करने पड़ेंगे, फिर उनके मालिक कौन है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सबको मानना पड़ेगा और दोबारा फ्राइडे को सुनवाई होगी, दूसरे स्टेट को रिप्लाई देना है अपना। हम शुरू से कह रहे हैं कि ये आर्टिकल 17 का वायलेशन है, ये अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है बीजेपी, क्या है तमाशा, ये आप कैसे करेंगे, क्या कर रहे हैं भाई। कांवड़ यात्रा में यकीन चल रही है, चलते रहेंगे अगर आप। और इस मामले को लेकर चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी के मुखिया, क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जी। चंद्रशेखर जी, बड़ी राहत की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने पैसा भी इंटरिम ऑर्डर दिया है कांवड़ यात्रा वाले ऑर्डर को लेकर। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह का खाना परोसा जा रहा है वो बताने की जरूरत है, नाम बताने की जरूरत नहीं है, ऑनर का नाम आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्या कहेंगे आप। देखिए, मैं मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से हमें बहुत उम्मीद है, सर्वोच्च न्यायालय से हमें बहुत उम्मीदें हैं कि जब सत्ता तानाशाही पर उतर आएगी और वो संयोग प्रयोग में उपयोग में आ जाएगी तो फिर हम सर्वोच्च न्यायालय के पास जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के बाद अगर सत्ता नहीं चल जाए तो ये हमारी पार्लियामेंट, आज भी नीट का विषय है तो उन्होंने कहा कि वो संसद में, तो हमने उनसे कहा कि भाई संसद से बड़ी पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट अपनी शक्ति का प्रयोग करे, नौजवानों का गला घुटा, प्राइम मिनिस्टर का गला नहीं घुटा, नौजवानों का गला घुटा दिया तो सुसाइड करने को मजबूर है। नीट जैसे इसे पेपर भरते हुए लीक हो रहे हैं, यूपीएससी का स्कैम हो रहे हैं, तो बुनियादी मुद्दों पे आके बात करो। और इसलिए रोक लगाया क्योंकि वो गलत था कि आप सुप्रीम कोर्ट की मंशा पे शक कर सकते हैं, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट की मंशा पे शक नहीं कर रहे तो मानिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो इसलिए दिया क्योंकि आप गलत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सरकार की मंशा को क्या लगती है, नाम दिखाना क्यों जरूरी था, क्या सरकार बताए, सरकार बताए। हमारे साथी सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनको बधाई कि उन्होंने जनहित के एक बड़े मुद्दे पे जो गए सरकार को गलत करने से रोका, और हम तो सरकार की सद्बुद्धि के लिए अपील करते रहते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, और पता नहीं हमारी प्रार्थना लखनऊ पहुंच पा रही है। आपको लगता है कि इस फैसले से रोजगार जो लोगों को वो भी प्रभावित हुआ था या आगे होगा भी। अच्छा सोचो, जैसे आपने भी सुना और मैंने भी सुना कि निकाल दिए गए कई दुकानों से जो है कर्मचारी वहाँ, तो उन कर्मचारियों को नया रोजगार कहाँ से मिल जाएगा तब तक, और उनके परिवार का क्या होगा। प्रति व्यक्ति आए तो हम समझते हैं ना क्या है, तो जिनके पर रोजगार नहीं बचेगा उनके बच्चों क्या होगा, उनकी पत्नियों क्या होगा, उनकी बहनों का, माओं का। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। अंतरिम आदेश और इस पिटीशन पर सुनवाई के लिए अगली तिथि लगाना दोनों प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई मेरी उस नोटिस जो मैंने आज दी थी 267 में राज्यसभा में, जिस पे मैंने कुछ कहा भी है, उसको सही साबित करता है कि ये विभाजनकारी है समाज, संविधान की मंशा के खिलाफ है, रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है, ये समाज में विभाजन पैदा करेगा, सिर्फ धर्म के आधार पे नहीं, जात के आधार पे, ये शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड को, वीकर सेक्शन को, उनको मौका नहीं देगा जो अपना व्यापार कर सकें, जिनको जो खाना है ये उन पर छोड़ देना चाहिए,
उस स्वेच्छा से खाएं पिए, कहां से लें, क्या करें, ये उनकी इच्छा होना चाहिए, किसी सरकार की नहीं। अब अलग अलग हिस्सों से हमारे चार सहयोगी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं जो कि तफसील से आप सभी तक जानकारी पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से सृष्टि जुड़ी हुई है, समर्थ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, अंकित हमें नजर आ रहे हैं उत्तराखंड से जुड़े हैं और आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशुतोष से हम खुद ही लोकेशन पूछ लेंगे। सृष्टि, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है आप ये दर्शकों को बताएं। जी आशुतोष, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं कोर्ट के सामने हैं उन्होंने उन ऑर्डर्स को, उन डायरेक्शंस को चैलेंज किया है जिन्होंने ये कहा था कि कांवड़ यात्रा के रूट पे जो भी शॉप ओनर्स हैं उन्हें ना सिर्फ अपनी दुकानों पे अपना नाम लेकिन अपने जो एम्प्लॉयज हैं जो वहाँ काम करते हैं उन्हें उनकी आइडेंटिटी को भी डिस्क्लोज करना होगा। जो याचिकाकर्ता है उनके वकीलों ने कोर्ट को कहा कि इंटेंशन जो है इस ऑर्डर के बिना, इन ऑर्डर्स के पीछे उन पे सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जाति के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे एक तरीके से भेदभाव किया जा रहा है लोगों के साथ। ये भी कहा है कि ऐसे कई एम्प्लॉयज हैं जिन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। ये सारे जो लोग हैं काफी कम कमाने वाले लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं और इस जो ऑर्डर पास किया गया है इससे इनकी जिंदगी पे जो असर पड़ेगा वो काफी एक सीरियस असर हो सकता है। यही कहते हुए इन याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से एक अंतरिम ऑर्डर की जो है मांग की थी, बताते हुए कि यात्रा शुरू हो चुकी है, काफी लोग हैं जिन्हें अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ रहा है, इसलिए एक अंतरिम जो रोक है वो बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है इन याचिकाओं पे यूपी, उत्तराखंड और बाकी कुछ सरकारों पे। जब फ्राइडे हियरिंग होगी तो डिटेल तरीके से और जो सवाल है वो खड़े होंगे कि किस बेसिस पे ऑर्डर्स पास किए गए थे, लेकिन अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है अंतरिम ऑर्डर में अपने कि जब तक कोर्ट वापस सुनवाई नहीं करता इस मामले में, जो डायरेक्शन पास किया गया है किसी भी तरीके की आइडेंटिटी जो है शॉप ओनर्स को अपनी नहीं डिस्क्लोज करनी होगी और सिर्फ ये लिखना होगा अपनी दुकानों पर। ठीक है, अब इसका असर क्या है सृष्टि, हम समझ लेते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मुजफ्फरनगर से उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई और मुजफ्फरनगर में ही हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा की मौजूदगी है। आशुतोष, ये जब फैसला अंतरिम जब रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने तो मुजफ्फरनगर के जो होटल्स हैं, ढाबे हैं, दुकानदार हैं जितने भी, उनमें क्या प्रतिक्रिया है? दरअसल आप उनकी अगर दलीलों को देखें और एग्जीक्यूटिव्स की दलीलें ये थी कि कई लोग हैं किसी और धर्म के और दूसरे धर्म का नाम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में संशय हो सकता है, शुचिता पवित्रता यात्रा पर फर्क पड़ सकती है कि वो खाना क्या बनाते हैं। कोर्ट भी यही कह रहा है ये बताइए कि खाने में क्या बनता है। जहां शुद्ध वैष्णो ढाबा लिखा है वहां जाहिर है कि शाकाहारी खाना ही मिलता था, धोखे से नहीं है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? अब इन रास्तों पर आप ये समझिए कि जितने कांवड़ यात्री हैं, ये धार्मिक यात्रा आयोजन को अगर आप एक त्यौहार और परंपरा के नजरिए से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि परंपराओं का पालन पूरे नियम अनुशासन से होता है। यात्रा आजकल नहीं हो रही है, सरकारें आई गई है, दशकों और सदियों से चलने वाली ये यात्रा है और जब ऐसी यात्रा होती है तो वो नियम हर कोई स्वेच्छा से पालन करता है। मतलब आप वैष्णो शुद्ध भोजनालय में जाएंगे, मान लीजिए अगर किसी के मन में शंका है तो वो पूछ लेता है, लेकिन ज्यादातर ढाबा ओनर बता देते हैं कि खाने में क्या है। और जो यहाँ पर खाना बनाकर बता रहे हैं, मुझे खाली ये बताइए कि सावन के महीने में जो खाना आपको बनता है, तो कोर्ट कह रहा है आपको बताना पड़ेगा क्या बनाते हैं। कोई यात्री, कांवर यात्री आपसे पूछते हैं क्या खाना बना रहे हैं आप? वही बनाते हैं, बिना लहसुन प्याज का रोटी सब्जी दाल चावल सब मिलता है। आपने जो खाना बनाया, और एक तस्वीर दिखा देता हूँ, चलिए हाँ। मान लीजिए हो सकता है ढाबा ओनर अभी ये जो कह रहे हो झूठ कह रहे हो, मैं चाहता हूँ आप जरा खाना दिखाइए, हम जानना चाहते हैं कि आपके खाने में क्या प्याज लहसुन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है, इन्होंने हमें अनुमति दी है। देख लीजिए यहाँ पर आलू की सब्जी है, आलू मटर की सब्जी है, देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके अंदर प्याज या लहसुन नहीं है। यहाँ बगल में इन्होंने छोले बनाए हुए हैं भोले के भक्तों के लिए जो यहाँ पर रुक रहे हैं, इसमें भी प्याज या लहसुन का तड़का भी नहीं है। इसी तरह बगल में दाल है, आपको लगता होगा दाल बन रही है, दाल तड़के में कम से कम, अभी तो दूसरे धर्म की बात ही छोड़ दी कि कौन धर्म या जाति, ये मान के चलिए कि ढाबों पर क्या आस्था खंडित हो जाती है, खाने में कहीं किसी तरह का दूषित हो जाता है या शुचिता पर असर पड़ता है। अंदर आप संख्या देख लीजिए इन तमाम भोले की, जो कांवर यात्री हैं वो यहाँ बैठे हैं खाना खाने के लिए, जितने भी ढाबा जगहों पर हैं, मुझे एक ही चीज खाली आपसे समझना है, खाना खाने के पहले, अंदर रेस्टोरेंट में जाने के पहले, ढाबे के पहले, जी जी